बड़ी खबर इस समय मेंढर से निकलकर आ रही है। आपको बताते चले कि जम्मू संभाग के जिला पुंछ की मेंढर सब डिवीज़न में भारतीय सेना ने एक मिलिटेंट हाइड आउट को जो है वो ध्वस्त किया है और उससे कई गोला बारूद और हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी, शुक्रवार को भारतीय सेना की तरफ से कसबलाड़ी इलाके में, जो कि मेंढर के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का संयुक्त एक तलाशी अभियान चला और उस तलाशी अभियान के दौरान उन्हें एक हाइड आउट मिला और हाइड आउट के बीच में जो है ये हथियार छिपाए गए थे। वहीं जो हथियार बरामद हुए हैं, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 3 पिस्टल हैं, 6 मैगजीन हैं और 64 राउंड हैं जो कि 9 mm के, और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, जबकि भारतीय सेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल व्हाइट नाइट कॉर्प पर जो है वो लिखा गया, यानी एक्स पर लिखा गया कि सेना की तरफ से जो है इस चीज़ की पुष्टि की गई कि ये जो आज हथियार, पिस्टल और अन्य गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है, ये मिलिटेंट्स की तरफ से छुपाया गया था और इस सामान का प्रयोग जो है वो टारगेट किलिंग के लिए करना था। ये एक बड़ी खबर है जो कि सेना की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जो है वो एक्स पर लिखा गया है और इसकी जानकारी दी गई है कि इस सामान के ज़रिए, यानी इस गोला बारूद जो पिस्टल है, इसके ज़रिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था, जबकि टारगेट किलिंग जो है वो हो सकती थी, क्योंकि लगातार आपको पता है कि पुंछ और राजौरी में मिलिटेंट गतिविधियां, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और 21 दिसंबर को एक बड़ा हमला हुआ था DKG में, जो कि बफल्यास और थाना मंडी के बीच में एक हुआ था, जिसमें 4 जवानों ने जो है वो शहादत पाई थी। उसके बाद लगातार मिलिटेंट्स के जो है वो तलाशी अभियान के ज़रिए उनकी खोज जो है वो की जा रही है। वहीं इस सब को देखते हुए ये आज एक सुरक्षा बलों को बड़ी जो है वो सफलता मिली है कि इस हाइड आउट को बस्ट करके ये सामान जो है, तमाम हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये संयुक्त अभियान था, जो कि ट्विटर के ज़रिए ये जानकारी दी गई है और इसको लेकर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं अब देखना ये है कि सुरक्षा बल लगातार कई जंगल के इलाकों में, कई पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेंढर न्यूज़ डायरी।